अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 11, डेट इज़ 23rd जुलाई 2020 एंड डे इज़ थर्सडे। टॉपिक है जी आपके पास नंबर एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। डायरी है आज की, काउंट डाउन पेज नंबर 16, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 to 11। लेक्चर का प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ योर काउंट डाउन पेज नंबर 16 एंड टॉपिक है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम। 5 तक हमने कल के लेक्चर में कर लिया था, आज आपने करनी है स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 6। लिखा हुआ जी, ड्यूरिंग हर ट्रिप सारा निट्स अ स्कार्फ एट द रेट ऑफ 469 मिलीमीटर एवरी डे। इफ हर ट्रिप लास्ट 8 डेज, हाउ मच ऑफ दीज स्कार्फ विल शी हैव निटेड बाय द एंड ऑफ द ट्रिप। कि अब मतलब क्या है इसका कि एक सेट के दौरान सारा जो है वो रोज़ाना 469 मिलीमीटर स्कार्फ की नीटिंग करती है, ठीक है। और अगर उसका ट्रिप 8 दिनों तक रहा है, यानी कि 8 दिनों में उसने कितना स्कार्फ जो है वो स्कार्फ की कितनी नीटिंग करनी है। तो आपके पास क्या है जी, 1 डे का गिवन है आपके पास कि एक दिन में वो 469 मिलीमीटर जो है वो नीटिंग कर रही है। आपने मुझे जानना है कि वो 8 दिनों में कितने दिन कितनी देर तक जो है कितने मिलीमीटर जब वो नीटिंग करेगी। तो हमने क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है आपने मिनी स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है जी। क्वेश्चन की अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी तो देन ही पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाना है। तो इसको डीट करने के बाद हमें पता चला है कि इस स्टेटमेंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक दिन की हमारे पास गिवन है और 8 दिनों का हमने निकालना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। योर आंसर शुड बी 3752। आगे जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ अ प्रोजेक्ट नीड्स रुपीज 955,000 टू बी कम्प्लीटेड, देन हाउ मच मनी विल बी नीडेड फॉर 100 सच प्रोजेक्ट्स। अब ये भी वैसा ही है कि एक प्रोजेक्ट के लिए आपके पैसे गिवन है, ठीक है। अगर आपने उसी तरह के 100 प्रोजेक्ट्स बनाने हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन को भी आपने मल्टीप्लाई करके मिनी स्टेटमेंट्स के साथ सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। A park can accommodate 50,000 people. How many people can be accommodated in 10 such parks? कि एक पार्क में 50,000 लोग जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। अब आप बताएं कि उसी तरह के 10 पार्क्स हों तो कितने हजार लोग जो है वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्क कैन अकोमोडेट वाली स्टेटमेंट है, सोल्यूशन राइट किया है। सोल्यूशन में हमने लिखा है जी, अ पार्क कैन अकोमोडेट पीपल, के कितने लोग एक पार्क में अकोमोडेट कर सकते हैं, 50,000, ठीक है। 10 पार्क्स कैन अकोमोडेटेड डेट नंबर ऑफ पीपल, के 10 पार्क्स हों तो कितने लोग जो है वो वहाँ आ सकते हैं। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अभी देखें एज इट इज़ के मार्क्स लगा दिए, क्योंकि यही वाली स्टेटमेंट मेरी नीचे भी आ रही है कि 10 पार्क्स में कितने लोग आ सकते हैं। तो ये जी 50,000 को हमने 10 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया है, ये देख सकते हैं आप। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे डिजिट से 0 हो जाएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एज इट इज़ यहाँ पे हमने लिख रही है। अब जब हमने इन सबको प्लस किया है तो ये देखिए ये आपके पास आंसर आया है। एज इट इज़ के मार्क्स लगाने के बाद हमने इसको स्पेसिंग के साथ लिखा है तो पता चला है जी 500,000 पीपल जो है वो 10 पार्क्स में अकोमोडेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपके पास। इफ़ रुपीज़ 294,850 आर डोनेटेड टू अ वेलफेयर ट्रस्ट इन 1 मंथ, कि एक माह के अंदर इतने पैसे अगर एक ट्रस्ट को, वेलफेयर ट्रस्ट को, फिलाही अदारे को दिए जाते हैं, देन हाउ मच विल बी डिपॉजिटेड इन 42 मंथ्स। कि एक माह के पैसे आपको गिवन है और बताना है आपने कि 42 माह में, 42 मंथ्स में कितने पैसे उस ट्रस्ट को दिए जाएंगे। तो जब आपके पास एक चीज़ की अमाउंट गिवन है उसी के जैसे मंथ 42 मंथ्स की निकालनी है तो हम ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। ये देखिए मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 12,383,700। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अ स्टूडेंट पेज रुपीज़ 123,000 एनुअली टू द स्कूल, कि एक बच्चा 123,000 रुपीज़ जो है वो हर साल स्कूल में जमा करवाता है, हाउ मच डज ही पे मंथली। तो आप बताएंगे वो एक माह में कितने पैसे जो है वो, एक महीने में कितने पैसे जमा करवाएगा। ये देखें जी, अ स्टूडेंट पेज एनुअली टू द स्कूल, के एक हर साल में वो कितने पैसे जमा करवाता है। हमने निकालना क्या था कि आप बताएं कि एक स्टूडेंट जो है वो मंथली कितने पैसे सबमिट करवाएगा। एक साल में अगर इतने पैसे सबमिट करवा रहा है तो एक माह में वो कितने पैसे जो है वो सबमिट करवाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये एज इट इज़ का मार्क्स लगा दिए, बस मैंने एनुअली की जगह यहाँ पे मंथली लिख दिया, बाकी सारा एज इट इज़ ही है। तो इस नंबर को डिवाइड करेंगे जी 12 के साथ। ये देखिए 12 वन 12, ठीक है। 3 आपका नीचे आया और 0 भी,
क्योंकि 3 12 के टेबल में तो कभी भी नहीं आ सकता, तो ये हो गया 30 12, इसलिए हमने क्योंकि दो डिजिट्स इकट्ठे नीचे आए हैं तो ये एक जीरो ऊपर लगा दिया। 12 2 24, 24 आ गया, 30 में से 24 कट किए हैं तो 6, ऊपर से एक जीरो नीचे आया तो ये हो गया 60, 12 5 60 वो लिख दिया। अब देखिए आपके पास अभी ऊपर एक जीरो था और इस जीरो को सॉल्व किए बगैर ही आपकी कंप्लीट हो गई है डिवीजन, क्योंकि 12 के टेबल में जीरो तो कभी भी नहीं आ सकता। तो हमने क्या किया है कि ये रूल ऑफ थंब हमेशा याद रखिएगा कि डिवाइडेंट से कोई भी नंबर, चाहे वो जीरो ही है, कोई भी नंबर नीचे आया और आपकी फर्दर सोल्यूशन नहीं हो रहा तो हमने क्या करना है कि ऊपर अपने क्वेश्चन में एक जीरो को ऐड कर देना है। इस रूल को मस्ट लर्न रखिएगा 5th क्लास, इसकी वजह से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट भी होते रहे हैं पिछले सालों में, ठीक है। तो इस रूल को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तो आपके पास अब आंसर आ गया जी कि वो बच्चा जो एक साल में कितने पैसे जमा करवाता था, उसके अब 1 मंथ के भी आपके पास अमाउंट आ गई है कि 1 माह के अंदर वो बच्चा 10,250 रुपये जो वो जमा करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके पास, इफ़ अ पर्सन हैज़ 25 शॉप्स ईच वर्थ ऑफ 655,000 रुपीज़, देन वट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज शॉप्स। कि एक शख्स के पास 25 दुकानें हैं, अगर एक दुकान की अमाउंट जो है वो इतनी आ रही है 655,000, तो आप बताएं कि उसको 25 दुकानों की जो टोटल वर्थ है, टोटल अमाउंट है, वो कितनी होगी। तो ऑब्वियसली हम 655,000 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी और वो आएगी 16,375,000, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और जो जिनको बस एक्सप्लेन किया है, उनको आपने अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पे नीट राइटिंग में इसको सॉल्व कर लेना है। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।